तो गाइज आज की हम आप बात कर बताएंगे कि माई इलेवन सर्कल में सबसे आसान तरीका केवाईसी करने का। ना तो इसमें आपकी जो केवाईसी रिजेक्ट होगी और ना ही इसमें आपको आधार कार्ड के फोटो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वो तरीका क्या है माई इलेवन सर्कल का सबसे आसान तरीका, जो अभी लेटेस्ट अपडेट में ये इन्वॉल्व हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने माई इलेवन सर्कल में आना है और थ्री डॉट पर क्लिक करना है और अपने जो अकाउंट डिटेल है उसमें आपको माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपने माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक स्टेटस आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड और जो आपका इसमें यहाँ पर मतलब प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाल देंगे तो आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर करना है अपलोड डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद यहाँ पर आपको पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आधार नंबर विद ओटीपी और एक आपको अपलोड आईडी प्रूफ। अगर आप यहाँ पर आईडी प्रूफ डालेंगे तो आपका रिजेक्ट होने का चांस है, लेकिन अगर आप ओटीपी डाल के आपको केवाईसी वेरीफाई करेंगे तो आपका 100% 2 मिनट में हो जाएगा और ना ही इसमें रिजेक्ट चांस है वो जीरो। यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा भी हुआ है 2 मिनट में केवाईसी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी हम ओटीपी से आपको करके बताएंगे किस प्रकार से करते हैं। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर जो डाल रहे हैं, जो आपका इसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर आपको अपना आधार कार्ड डाल देना है और नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैप्चे को आपको अच्छे से डाल देना है। जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर कैप्चा डाल देता हूं। उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, जो कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वो लिंक है, उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको उस ओटीपी को लेना है और इसमें यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर अपना ओटीपी डालता हूँ। इसमें आपकी केवाईसी रिजेक्ट नहीं होगी और इंस्टेंट हो जाएगी, और ये आपका जो मैं मतलब आपको हो जाएगी उसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है, जो ये परमिशन मांगे आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके लिए, देखिए, तो आपको यहाँ पर अलाउ करना है और जो ये परमिशन है आपको दे देनी है। जैसे आप अलाउ पर करेंगे तो आपकी जो केवाईसी वो सक्सेसफुली हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जो कि इस प्रकार से आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन नाउ इन्जॉय बेनिफिट लाइक ए फास्ट विदड्रॉ एंड इम्प्रूव एड कैश लिमिट। तो आप यहाँ से विदड्रॉ कर पाएंगे। और दूसरा, मैं अपना केवाईसी का जो मेरा स्टेटस था पहले पेंडिंग दिखा रहा था, अब यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन वेरीफाइड आ चुका है। तो होपफुली गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई लोग।